वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूं आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काजी कॉन्फ्रेंस चेक और हमारे साथ हैं मैं हूं आपकी खूबसूरत सी होस्ट अनम गौहर और मैं लाई हूं आज अपनी फ्रेंड को आप दोनों से मिलवाने के लिए और आपसे मिलवाने के लिए प्रेजेंटिंग माय फ्रेंड सैयदा हिबा ये हिबा वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच हिबा हम इस शो में हिबा को भी बता दूं और आप सबको भी बता दूं कि हम इस शो में करते हैं बहुत सारी गॉसिप्स और थोड़ी सी अंदर की बातें जो आपको नहीं पता होती हम चाहते हैं कि आपको वो बातें पता चलें क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आवाम को पता ही नहीं चलता वो ऊपर ऊपर की स्टोरीज देखते हैं उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में इसका बैकग्राउंड क्या था हम आपको उसका बैकग्राउंड बताते हैं कि कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसी ने क्या कपड़े पहने और किसी ने क्या मेकअप किया और वो अच्छा भी लग रहा था या क्या लग रहा था जो भी लग रहा था और हम बहुत इंटरटेनमेंट वाला शो जो है आपके सामने पेश करते हैं जिसमें हम बहुत खुद भी इंटरटेन होते हैं और आप लोगों को भी इंटरटेन करते हैं बिल्कुल राफिया सही कह रही हैं क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन कितना पॉजिटिव है और कौन कितना नेगेटिव और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे शो का मकसद सिर्फ आपको हंसाना है हम किसी का वो हर्ट नहीं करना चाहते किसी की फीलिंग्स को इमोशंस को हर्ट नहीं करेंगे ये शो करने का मकसद ये है ताकि हम आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सकें जहाँ इतना टेंशन का दौर चल रहा है हर वक्त न्यूज़ सुने यू नो परेशानियाँ कोई मर गया कोविड चल रहा है ये हो गया वो हो गया सो हमारी कोशिश होती है कि आप जितना देर हमें देखें हंसते मुस्कुराते रहें क्या बात है क्या बात है ये बड़ी अच्छी बात इसने कही लेकिन अगर आप देखते हुए हर्ट होते हैं हो जा भाई ठीक है नोकझोंक से चलती रहेगी हाँ जहाँ औरतें वहाँ नोकझोंक से चलेगी बाय द वे नोकझोंक से आधा आज हिबा तुम्हारा बर्थडे है ईद के दिन इंडिया सालगिरह बस मैं तो ये देख रही थी कि मेरा केक अभी तक नहीं आया है तो प्लीज मेरा केक अरेंज करवा दे ताकि मैं अपनी बर्थडे ही सेलिब्रेट करूं केक की बात नहीं करना खर्चा नहीं होगा बस चाय दे दी आपको चाय नाश्ता नहीं सुबह के टाइम केक कौन चले मंगवा पेस्ट्री मंगा दे नहीं तो आप 12 बजे आ जाती मेरे घर पे आप हो भी नहीं अरे वैसे ही मैं आज रेड वेलवेट का केक लग रही हूँ आपको ही गिफ्ट कर देते हैं हाँ जी इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी फिर हाँ ओह वाओ चलो चलो गाइस ऑन दैट नोट हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलें जी बिल्कुल लेट्स मूव टुवर्ड्स गॉसिप्स यस तो आज सबसे पहले गॉसिप मैं बताऊं ठीक है फैसल कुरैशी के बारे में मैं पढ़ रही थी कल कि फैसल कुरैशी ने जो उनका ड्रामा कौन से वाले फैसल कुरैशी सब जानते हैं फैसल कुरैशी नहीं बिकॉज दो है ना फैसल कुरैशी जो हमारे टॉप एक्टर हैं राइटर भी हैं आप तो डायरेक्टर भी बनने वाले प्रोड्यूसर भी हैं सब कुछ ऑलराउंडर सो फैसल कुरैशी का जो ड्रामा है फितूर जो ब्लॉकबस्टर चल रहा है उसमें उन्होंने एक बात की है कि थप्पड़ का जो हम लोगों ने कंटेंट जो राइटर लिखते हैं कि लड़की ने लड़की को थप्पड़ मार दिया आदमी ने औरत को तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को प्रमोट ना करें तो बेटर है लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है यार बात तो बिल्कुल सही है ये आप डोमेस्टिक वायलेंस जो दिखाते हैं ना वहाँ पे पता क्या कितने लोग उस सिचुएशन में ज़रूर होते हैं मुझे लगता है उस सिचुएशन में होते हैं जो ड्रामाज में क्रिएटेड होते हैं कि वो ऑलरेडी एक सिचुएशन होती है लेकिन वो उसमें हाथ और इस तरह मारने और फिजिकल होने का सोचते नहीं है लेकिन हम जब ऐसा कुछ टीवी पे देखते हैं ना तो हम स्लोली ग्रेजुअली उसको अडॉप्ट करने लगते हैं तो आई एम विद फैसल ऑन दिस पॉइंट कंप्लीटली एग्जैक्टली मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम दिखाएंगे लोग वही सीखेंगे और संभव चाहते ना चाहते आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होने लगती हैं सो बेहतर है कि हम ना दिखाएं जितना हो सकता है अच्छी चीज़ दिखाएं क्योंकि हम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं सोसाइटी की यू नो हम हमारे आने वाले स्टार्स हम जो दिखा रहे हैं वो लोग वही करते हैं तो बस तुम्हारा क्या बट मेरा ये कहना है कि हम जो भी टेलीविजन पे दिखा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे वही हम हमारे माशरे में चल रहा है और जो चीज़ हम अपने माशरे में दिखाएंगे कि हम अपनी टीवी पे दिखा रहे हैं कि यार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम जैसे जैसे उसको दिखाएंगे तो सामने वाला देख के क्योंकि सिर्फ वही चीज़ नहीं दिखाई जाती कि फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला आपको थप्पड़ मार रहा है तो उसके बिहाफ पे वो बंदी या बंदा कुछ रिएक्ट नहीं करता है तो आई थिंक यू शुड रिएक्ट ऑन दैट पर्पस स्पेसिफिकली जो कि वहाँ ड्रामे में हो रहा है ना लेकिन भाई का पॉइंट ये नहीं था पैसल भाई का पॉइंट था एक्सट्रीम ना दिखा हाँ एक्सट्रीम बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे टीवी पे इतना एक्सट्रीम हो कि कुछ भी चीज़ें दिखाई जाती हैं और अगर दिखाई जा रही है आई बिलीव कि टीवी पे वही दिखाया जाता है इवन के जो मूवीज भी बनती हैं जो ड्रामाज भी बनते हैं जो हो रहे हैं सोसाइटी पे वो ही दिखा रहे हैं हम कुछ अपने से तो नहीं ला रहे ना कहाँ से आइडिया बिल्कुल हम अपने से
से नहीं ला रहे, लेकिन ये सोसाइटी में ही है हमारे, इट्स जस्ट दैट अगर हम वो चीज शो ना करें तो जो ये चीज करते हैं उनको भी थोड़ा ऑफर लगेगा, इसमें इसको तो लगा देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं लगाया, तो प्रोबेबली ही लर्न, बट द थिंग, बट द थिंग इज कि एक्शन का रिएक्शन भी तो दिखा रहे हैं ना, बट ये थोड़ी थोड़ी दिखा रहे हैं, काफी दिखा सकते हैं ना, या इट शुड बी ऑन अ लाइटर नोट, हां एग्जैक्टली ऑन अ लाइटर नोट, तमीज का यू नो, क्योंकि फिजिकल होना तो किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फैसल आई पर्सनली बिलीव इज वेरी राइट। तो राफेल जी आपके पास क्या है? अच्छा मेरे पास गॉसिप ये है कि भाई मुझे अभी तक, हम सबको इनफैक्ट अभी तक लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, वो प्रॉपरली वैसे इस्टेब्लिश हुई नहीं है जैसे वर्ल्ड वाइड होती है, हमारे सेलिब्रिटीज़ को वो सेलिब्रिटी स्टेटस अभी तक नहीं मिला है जो कि मिलता है बाहर दुनिया में, कोई एक हिट गाना बना दे अपना right. उसके बाद वो गाना जहाँ जहाँ प्ले होगा उसको उसकी रॉयल्टी मिलेगी, सीरियसली पूरी जिंदगी बैठ के खाता है वो ठीक है और हम अपनी बहुत ही फेवरेट और बहुत सीनियर एक्ट्रेस नायला जाफरी की बात करेंगे, काफ़ी अरसे से वो इस पर बात कर रही थी, अभी शी रिसेंटली एक्सपायर्ड, काफ़ी अरसे से वो इस पर बात कर रही थी कि हम लोग को हमारे ड्रामास की रॉयल्टी मिलनी चाहिए व्हेन यू आर री टेलीकास्टिंग इट, और लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, उनके ट्रीटमेंट की पता है, उनके ओवेरियन कैंसर था उनको, उनको ट्रीटमेंट के पैसे नहीं कम पड़ रहे थे, उनको स्टार्स ने मिलकर सपोर्ट किया लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है तो हमारी इंडस्ट्री ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो हम मुझे लगता है कि रॉयल्टी जो है ना दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूरी दुनिया में होती है, तो यासिर हुसैन ने उस पर अपने इस पर लिखा, यासिर हुसैन वैसे ही खबरों बड़े इन रहते हैं, हाँ कभी 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 पॉजिटिव भी होता है, अभी इसने बड़ा अच्छा लिखा, उसने लिखा कि नायला साहबा ऊपर जाके बताइएगा कि आपको रॉयल्टी नहीं मिली, हाँ I mean that was you know बहुत अजीब सा लगा ना पढ़ के और सुन के, तो it's आप लोग क्या कहते हैं रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती हमारे कंपनी के लिए, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सरमाया थी वो कॉम का, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए आमीन। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि नायला जाफरी बहुत मतलब लेजेंड थी और सिर्फ नायला जाफरी नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्स एंड एक्टर्स हैं जो बेचारे गुजर चुके हैं और वो आवाम को और वो अपील करते हैं गवर्नमेंट से बट कोई उनकी हेल्प नहीं करते और अफसोस होता है कि मतलब यहाँ के लोग रिप्रेजेंट करते हैं मूवीज़ के थ्रू अपनी कंट्री, ये हमारा आर्ट है मीडिया, ये सब अपने कंट्री को, यहाँ के हमारा कितना टैलेंट है, हमारे पास इतने सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर्स हैं लेकिन वो बेचारे उनकी कोई मदद नहीं करता है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसे लगा रहे हैं लेकिन जहाँ मुझे लगता है ज़रूरत है वहाँ वो नहीं लगा रहे हैं, सो दैट्स रियली सैड एंड अपसेटिंग। और इसी बारे में मैं कहूँगी कि अगर मैं तो यही कहूँगी कि वाकई ये बहुत सैड है लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट से भी अपने कुछ अलग ही इशू हैं, जब मीडिया के पर्सन लाइक यू नो एक्टर्स जाते हैं, डायरेक्टर्स जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, वो अपने 10 इशूज हमें निकाल के दे देते हैं एग्जैक्टली, और हमें कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं आप ये कर रहे हैं, तो सर हम तो सब काम करते हैं ना, आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप कहते हैं कि वो ड्रामा बहुत अच्छा था दूसरी कंट्री को प्रमोट कर, एग्जैक्टली अब मैं नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लाइक एनी कंट्रोवर्सी बट यू गेट इट राइट, तो वो ड्रामा आपको अच्छा लगता है यही बजट यही एक्टर्स को आप सपोर्ट करने लग जाए तो हम भी करेंगे, हमारे एक्टर्स भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, सही बात है, लेकिन रॉयल्टीज का जो इशू है वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट होना चाहिए क्योंकि जब आप उसको रीप्ले करते हैं तो यू मेकिंग मनी ऑन दैट एज वेल, आप जिस चैनल को दे रहे हैं वहां से भी, और अगर वो हमारे मुल्क से बाहर किसी और मुल्क के ड्रामा चैनल पे भी चल रहा है तो भी आपको उसका अच्छा खासा बजट मिलता है, सो व्हाई ओनली द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, व्हाई नॉट द सेलिब्रिटीज, है ना, आप क्या कहते हो? जी मेरा भी इस बारे में ये ख्याल है कि आजकल तो जो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर आप चीज़ों को कैश करते हैं, लेकिन ये कि उनको उस तरह से आप फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ से अगर आप वो चीज़ पे आप 3 से 4 दफ़ा कमा रहे हैं तो आप वाई नॉट कि उन लोगों की भी आप हेल्प करो कि जिन्होंने उस चीज़ पे अपनी एफर्ट दिए हार्डवर्क किया है, सही है, तो यहाँ पर बस वही बात आ गई ना कि जब तक आप मरते नहीं हैं आपको उस तरह से वो मुकाम ही नहीं मिलता, और आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ये कि आपके नाम पर लोग पैसे कैश करते हैं कि भाई हमने तो इसका ये और ये बायोग्राफी बना, तो या एग्जैक्टली आप लोगों की बात काट रही, लेकिन मुझे एक जुमला याद आया, बड़ी मशहूर कहावत है कि सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ता है, वो जुमला ये था कि यार अच्छा इंसान था। चले जी हमारा गॉसिप सेशन आज का बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, इसी तरह हम और भी गॉसिप्स करते रहेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज गेस द फ्रेज, गेस द फ्रेज।
सो पहले मैं पूछूं? आज सबसे पहले कायनात पूछेंगी, पता नहीं क्या सोच के आई हूँ. मुझे कह रही है कि मैं बहुत टफ सा लाई हूँ और बहुत सोचा है इन्होंने, कल पूरी रात लगा के सोचा इन्होंने. लेट्स सी आज कायनात ने कितनी मेहनत की है. आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग गेम. वेरी एक्साइटेड. ओके लेट्स मी सी. आई हैव टू गेस. अच्छा मैं बीच के वर्ड्स से स्टार्ट करती हूं. ठीक है, थोड़ा हेल्प करती हूं. हाउ अबाउट हम तीनों गेस करें? ओके ठीक है. हां लेट्स डू इट. दैट्स इंटरेस्टिंग. आई लाइक इट. गाइस आर यू लाइक रेडी? यस वी आर. 1 2 3. टेबल. लकड़ी. लकड़ी की काठी. लकड़ी की काठी. हां हाउ डिड यू रीच देयर? लकड़ी की काठी. लकड़ी क्या? लकड़ी. मैं कहने वाली थी नॉक हो रहा है अभी कुछ आएगा. लकड़ी की काठी. घोड़ा. घोड़ा. यू सो गुड एट इट. वाह हे वाह. समझ में आया था? हाँ बट ये टेप क्या? मुझे इनिशियली कुछ भी समझ नहीं आया. ठीक है नहीं मुझे तो समझ में. हिबा यू आर अमेजिंग. आई थिंक हिबा ने गेस किया. हाँ घोड़े से. घोड़े से. वो भी मुझे समझ में आया था. तुम आटा गूंद रहे हो. एक्चुअली तुम्हारे इशारे इतने सेंसिबल थे कि कोई बच्चे भी पहचान लेगा. क्यों नहीं पहचाना? बोलने वाले थे हम ज्यादा बच्चे. आनम ने गेस कर लिया था वैसे तकरीबन बट उन्होंने कह दिया. आनम मेरी बारी है. अच्छा ओके ये हम तीनों गेस्ट करें. हां ओके ओके करना. राइट ऑल राइट गाइस आर यू रेडी? यस यस वी ऑल आर. ओके 1 2 3. पता नहीं. क्या पता नहीं कहां. दिल धक धक. हार्ट बीट. क्या 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 की क्या की क्या की धक धक की धक धक पिया की धक धक पिया की धक धक. नहीं नहीं. ओ नो. ओके दम. ओके दम दम. ओ ओ की दम. की दम. की दम. की फूक. फूक. सुट्टे. स्मोक. सुट. नहीं. की क्लोज. 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 धुआं. 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 द द द द दम. बीड़ी. दम. ऑलराइट. ओके की जाने दो. अब ये नहीं पता मुझे. की दम. की दम. की दम. द ट्रस्ट. भरोसा. यस भरोसा. माय जीनियस गर्ल. की दम द भरोसा. यार की दम. यार कमाने कितना इजी था यार. सीरियसली आई आई बट दिस इज वेरी इनोवेटिव. कहां से लाई तू? मैं सोच नहीं सकती थी. लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी. हां मैं कहती हूं क्यूट लग रही. आई लव यू यार. वेरी नाइस. वेरी नाइस. ये तो बड़ा एंटरटेनिंग रहा आज. मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए तो हम गेस करेंगे फिर. अच्छा अच्छा तुम तीनों गेस करना. ओके अच्छा मैं ये बता दूं कि ये मुहावरा है. ओके और ये एक उर्दू मुहावरा है जो कि बहुत फेमस है. और नाम भी बता दें. नहीं नहीं इतना तो बताना चाहिए ना ताकि तुम लोग उस डायरेक्शन में चले जाओ. ओके ओके अच्छा ओके 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 आई गेट इट. बगल में बच्चा. ये जो है बड़े अच्छे तरीके से इशारे करती है कि मतलब बंदा फौरन से कैसे. अब बगल में बच्चा और कल एक बंदर वाला मुझे. जी यू आर गुड एक्ट्रेस. या वेरी गुड. आई एम गुड एक्ट्रेस. डोंट जेलस. दैट्स व्हाई आई सेड टच विद टच विद. सो नेक्स्ट सेगमेंट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज मेरा फेवरेट सुनने भी तो यारो. सुनने भी तो यारो. सबसे पहले मैं पूछूं. ओके आज कायना बहुत एक्साइटेड है. पता है वो बहुत एक्साइटेड लग रही है. तो कायना किससे पूछोगी? राफेल जी आपसे. चलो भाई इस पे एक पे लगाऊं ये. यस यार ये बहुत लाउड रखते हैं. पता है ये बहुत लाउड है. इट्स इंपॉर्टेंट. ये पेट्रोल हमारे लिए हुआ. आई अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड. अच्छा ओके बताओ. कुछ बताओ. आई एम बोले चूड़िया. बोले कंगना. बोले से कच्चा है. कोई ट्रांस लग रहा है. कोई हाँ हाँ या बोलो बोलो बोलो. बोले कंगना. बोले कंगना. बोले कंगना. आपके बारे में बात नहीं.
बोले बोले कंगना बड़े बोले बड़े बोले बड़े 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 अच्छे लगते हैं बोले कंगना इशारा दू एक हाँ मतलब स्लाइटली सा चूड़ियाँ चूड़ियाँ बोले कंगना बोले कंगना बताओ बोले बताओ चूड़ियाँ बताओ चूड़ियाँ Guys, counting start. Counting start. Yes, I guess हमें time duration रखना है ज़्यादा. बोले कंगना. Five. बोले कंगना. बोले बोले. बोले कंगना. Four. कंगना. चूड़ी बोले चूड़ी. बोले कंगना. Three. कंगना. Yes. बोले कंगना. Finally. Guess करिए आपने. Is it? I'm right. क्या guess किया आपने? What was that? It was something like बोले चूड़ियाँ मुझे समझ में बोले कंगना बोले कंगना इतना famous गाना बाप famous बोले चूड़ियाँ बोले कंगना डांस बड़ा मजे का था अगर बोले चूड़ियाँ बोले तो guess कर लेते हाँ बोले actually मैं वन बोलने वाली थी but चलें that's fine चलो गई आप ठीक है ठीक है दुरुस्त है thank you अब तुम दोनों बताओ कौन मैं गेस कौन सुनेगा I guess हाँ, मैं गेस करने में तो चलो लेट्स एक तुम कर दो ओके सैनो मैक करी है बेस्ट ऑफ लक तेज आवाज है कैन यू हियर मी आवाज आ रही है मेरी क्या ओके दैट्स ग्रेट इन मेरी आवाज दिस इज ऑल वी वांट चलो हम म्यूजिक बहुत लाउड चलते हैं और मैं इशारे करती हूं ओके हम बताएं नो मैं खुद करूंगी जा कबूतर किसका दर ओके कबूतर आ जा जा आ कबूतर भाई बहुत लंबा टाइम नहीं कौन सा दर कबूतर वी आर काउंटिंग या काउंटिंग कबूतर किसका डर कबूतर 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 जा तू आ जा ओह माय गॉड नो प्लीज आई ने नेवर बट नहीं पहुंच पा रही वहां कबू कबूतर कबूतर जा कबूतर आ जा कबूतर जा 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 कबूतर जा between kabutar ja hai na so she said I ordered kabutar aata hai nahi kabutar ja time to khatam ho gaya tha aap log ne meri sari cheating ki hai inhone keh diya tha ab aur ja mein kya kar liya kabutar aa raha hai ja raha hai nahi nahi bahut fark hai ek flight aati hai ek departure hota hai bahut fark hai bhai are nahi bhai nahi nahi I'm sorry time was up but not bad pata hai hum yahi dekh rahe the you are pretty near pata hai at a point pe tum kabutar pe bhi chali gayi aur ja pe bhi chali gayi aage is active too yeah we like it right next segment अच्छा अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ ओ माय गॉड हमारे सबका फेवरेट सेगमेंट आपको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जो कि बड़ा ही मजेदार है हमारे ऑडियंस का बड़ा फेवरेट है व्हिच इज पोस्टमार्टम And welcome to our favorite segment. Probably अब आपका भी favorite हो चुका होगा, which is postmortem, जिसमें करते हैं हम किसी video का या picture का postmortem. और हम देखते हैं Hello यार नहीं 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 मैं नहीं आ सकती समझा करो यार commitment क्या हुआ नहीं यार मैं commitment हूँ यहाँ पे मेरे show चल रहा है मैं कैसे आ सकती हूँ हमारी commitment हुई है यार आयशा कह रही है मेरे मेकअप करने अब मैं ये शो छोड़ के कैसे जाऊंगी कौन आयशा आयशा कौन आयशा उमर यार ऑब्वियसली कौन और करेगा मुझे कॉल अच्छा सुनो मेरी दोस्त है मुझे तो मैं बात करती हूं यार आयशा ये राफिया ऐसे तुम बात करो हाँ। यार राफिया हाँ, 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 इसको हाँ, कटाओ यार ये तो जान पे बनाई है यार अच्छा दो दो हेलो आयशा कैसी हो राफिया हियर राफिया नहीं यार अभी तो मिले थे हम अरे लॉन्च में मैंने तुम्हारा खरीदा था सिरम याद है जब तुम अपना ब्रांड लॉन्च कर रही थी अरे आयशा क्या हो गया
हाँ क्या प्लम्बर? नहीं नहीं कौन है आप? आयशा उमर बात कर रहे हो? आप आयशा उमर तो नहीं लग रही मुझे। कौन है? आयशा उमर कह रहे हो तुम? इधर दिखाओ मैं बात कर रहा हूँ। ये आयशा उमर नहीं लग रही। तुम आयशा उमर नहीं हो क्या? तुम कौन हो? अश्वाक प्लम्बर? बात में बताओ, एक तो फेमस हो जाओ ना, आपका नंबर ऐसे लीक हो जाता है, ये प्लम्बर भी कॉल करने लग जाते हैं। की आवाज इतनी खराब है, ये क्या मजाक है? आई टेल यू मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि लड़के तो पीछे ही पड़े हुए मेरे। कहाँ फेमस हो? वैसे तो खूबसूरत तो हो। जिमी कहाँ फेमस हो? तुम्हें नहीं मालूम? टिकटॉक पे। अब तो स्नैक भी आ गया। ओह माय गॉड, तुम औरतों के बीच क्या कर रही हो जिमी? अब मैं गर्ल हूँ तो गर्ल्स के बीच में ही होंगी ना। ओह यस जिमी, तुम देखो मैं तुमने मेरे बाल आज कल से यू लुकिंग परफेक्ट बेब। ओह माय गॉड, एक और कॉल आ रही है यार। अब कौन है? ऊपर देख के बात करना, तुम पता नहीं किससे बात करता है और क्या कहता है। आई टेल यू पूरे कराची पूरे पाकिस्तान के पास मेरा नंबर चला गया। हेलो कौन? मंडी से कोई बात कर रहा है? कौन मंडी से बात? जानवर कैसे उठाया? जानवर मैं आपको फ्री में दे दूंगा। हाँ? क्यों मरा है? सुनो तो सही, वो कह रहा है मुझसे 5 मिनट बात करो, मैं तुम्हें जानवर फ्री में दे दूंगा। जानवर कैसा लग रहा है? जरा डिटेल सुनो तो सही ना, डिटेल भी तो पूछो ना। मेरी डिटेल कितना कह रहे? 10 किलो की गाय। 10 किलो की गाय कौन सी होती है? Excuse me, you're talking to Timmy, okay? ऐसे 10 किलो की गाय नहीं लूंगी। Oh my God, ये देख रही हो क्या details हैं? ऐसे एक बात बताऊँ, 10 किलो की गाय हो सकती है? इसके हिसाब के वेट। अरे हाँ। Oh yeah. Timmy, तुम मंडी जाओ, थोड़ा सा entertain करो गांव बकरों को, तुम्हें याद कर रहे होंगे। यार किसी ने मुझे बताया नहीं कि नई गेस्ट आई है, नो वन इंट्रोड्यूस मी। तुम अपने फोन की एंटरटेनमेंट से खत्म करो, तो मैं बताऊं ना तुम्हें। राफिया दिस इज सो बैड, अब मेरे इतने मसले मसाइल हैं, मैं ये देखूं मैं क्या क्या देखूं। मैंने डब्बे में छुपा के रखी थी, सामने बैठी है। आई नो हर, आप हिबा है ना? जी जी। यार मैं आपके सारे फोटो शूट देखती हूँ, आपने मेकअप कैसे कराया? आपने आज आपके आई शेड भी अच्छा लगा होता और ब्लश ऑन तो माइंड ब्लोइंग करती मैं। हमें प्रोग्राम करना है आगे, तो जब मैं किसी गेस्ट से बात करने लगती हूँ ना, तुम फौरन बीच में आ जाती हो। मुझे पता तुम मुझसे ना जेलस होती हो। आप कह रहे थे कि आप टिकटॉक पे हैं, तो टिकटॉक पे आप इससे वीडियोस बनाते हैं? कैसे बनाते हैं आप बता दो कि तुम्हारा आईफोन अंदर रखा है। कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी, तुमसे ये नहीं हुआ कि कोई मुझे आईफोन ही दिला दो ना, मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ, ना मैं कुछ काम कर सकती हूँ। जिससे गाय मिले उससे आईफोन की गाय ले लो बेटा। मैं हम एक काम करेंगे, हम उल्टी सेल्फी लेंगे, देख लियो इसके ऊपर। उल्टी सेल्फी? डोंट मेक फन ऑफ मी, ओके? यू ओके? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। लिसन, हम उल्टी सेल्फी लेंगे या फिर बैक कैमरा? अच्छा मैं एक काम करूँ, मैं ले लूँ तुम लोग की सेल्फी? नहीं, हम खुद लेंगे। बेबी स्माइल, ओके? आई होप, देखो देखो आ देखो सेल्फी। अब मैं क्या करूं ऐसी, आइंदा जब भी मेकअप कराओगी ना तो तुमने मुझसे करवाना है, ओके? हिबा मेरा नंबर ले लेना जाते हुए, ओके? बस हो गया जिमी, हमें शो करना है। जा रही हूँ, तुम तो जलती रहना राफिया मुझसे। ये देखो एक नई कॉल आ गई मुझे। अब ये कौन है? अब मैं देखती हूँ कौन है। अद्दू, हाउ आर यू मैन? कद्दू 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 अदनान सिद्दीकी यार। कौन हंस रही है? ये जल कुकड़ियां हंस रही है और कौन हंसेगा? जाओ मंडी जाओ, बकरा लेने जाओ मुफ्त, अभी कारपेंटर निकलेगा सामने से, तुम देखना। वैसे वो अच्छा कारपेंटर। चलो जी टिमी गया, अभी रेडी फॉर आवर
पोस्टमार्टम सेगमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गेट बैक। सबसे पहले कायना तुम बताओ, तुम्हारा क्या लाई हो पोस्टमार्टम? मैं वैसे आज जो लेकर आई हूँ उससे मैं खुद भी कहूँगी कि वाकई इसका मुझे पोस्टमार्टम करने का इतना शिद्दत से दिल चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, राफिया जी, अनब और हमारी गेस्ट, आप लोग भी देख सकते हैं पिक्चर, ऑडियंस जाहिर सी बात है देखिए स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये है मॉडल फरवा काजमी। ओके ओके, और इन्होंने अपनी बर्थडे बैश रियन की बीच पर, तो उस पर जो ड्रेसेस थे, जो पिक्चर्स ऑडियंस भी देख रहे हैं और हमने भी देखी है, तो वो पिक्चर्स के बारे में मतलब आई डोंट लाइक हर ड्रेस, आई मीन जो भी उन्होंने कपड़े पहने थे, लेकिन उसके अलावा और भी जितने मेल मॉडल्स आए थे उनकी हरकतें भी ऐसी थी कि तभी हम पे तनकीद की जाती क्योंकि क्या आप इसके पिक्चर्स में बहुत ज्यादा शर्ट्स नहीं वेयर की थी मेल मॉडल ने, शॉर्ट्स वेयर किए थे, शॉर्ट्स और वो जो सलमान खान, जैसे कि आपने पोज देखा, आपने पोज देखा कि पोज भी इतने वल्गर थे, फनी भी नहीं थे कि हम फनी में उसको लेते हैं। तो आई थिंक ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम सेलिब्रिटी अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटी। ओके, अच्छा पता है मुझे मुझे ये लगता है कि इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। आप शायद अपने फ्रेंड्स के साथ आप कैसे भी हों, किसी भी तरह एंजॉय करते हों, और लेकिन अगर आपने इसको सोशल मीडिया पे डालना है या आपको लगता है कि वो पोस्ट सोशल मीडिया पे आएगी, तो फिर आप उसका थोड़ा ख्याल करें, अदरवाइज तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग बैड इन दैट। आनंद तुम क्या कहते हो? यार अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ऑफेंसिव इफ यू आर डूइंग इट इन योर पर्सनल स्पेस। हाँ, लेकिन जहाँ तक पब्लिकली ऑब्वियसली वो चीज़ एक्सपोज होती है क्योंकि हम स्टार्स हैं, हमारी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पिक्चर निकल हो ही जाती है, और अगर एक चीज़ निकले तो उसको इतना लाइमलाइट में लाया जाता है क्योंकि लोगों को तो बात करने का मौका चाहिए। आजकल की आवाम आपको पता है कुछ भी नहीं छोड़ती है, बात करती है। सो ड्रेसिंग सेंस, बट स्टिल बॉडी शेमिंग को मैं नहीं पसंद करती, किसी की ड्रेसिंग सेंस पर भी कॉमेंट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा शो ऐसा है कि हम लोगों की ड्रेसिंग सेंस से बात करते हैं, बट वो सिर्फ फन पर्पस के लिए होता है। बट पर्सनली हमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करना। इन माय प्रो वी हैव नो ग्रजेस विद यू। हां, लेकिन कपड़ों से ज्यादा पोजेस। हां देखो, कपड़े तो मैं शर्ट तो पहन लेनी थी ना यार। एग्जैक्टली, बट इन माय पर्सपेक्टिव इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, इफ यू आर अ ब्लॉगर टू, तो आपको ऐसी चीजें, जबकि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, तो एटलीस्ट बी इन योर लिमिट्स ना, कि आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए जो भी चीज करते हैं, वही जैसे कि उन्होंने आपसे कहा कि यार अगर आप जो भी चीज़ करें अपने पर्सनल स्पेस में करें, उसको इतनी पब्लिकली ना करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। इंसान खुद मौका देता है किसी को भी कुछ कहने का, और फिर वो बोलता है कि हमें ट्रोल क्यों किया जा रहा है, तो दैट इज सो बैड। एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज कि आपको हर चीज़ डालने की जरूरत नहीं होती, सोशल मीडिया इज दैट प्लेटफॉर्म कि आप हर चीज़ दिखाओ। बर्थडे बैश थी तो ठीक है, बर्थडे गर्ल ने सोचा होगा कि मैं डिफरेंट कपड़े पहनूं, मॉडल थी तो अपना फैशन, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं भी उस चीज, मैं बात ये कह रही हूँ कि आपने अपने मेल फ्रेंड्स के साथ पोजेज ऐसे किए हैं जिसमें ऑफकोर्स ऑडियंस बात करेगी, बट कायनात मुझे थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली, और खूबसूरत कपड़े पहनने में और थोड़े से यू नो ओवर द लाइन, एक बड़ी बारीक सी थिन लाइन होती है, तो एक इंसान को ख्याल रखना चाहिए मैं पहन रही हूँ वल्गर लग रहा है या फिर मैं कैसी लग रही हूँ और वो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कैरी कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली, या दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप कैरी कर सकते हैं। कैरिंग इट वेल, नहीं इसमें कैरी उसने सही किया बता, लेकिन हम लोगों को एज अ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही। हाँ, लेकिन स्किन शो करना आई थिंक हर हमेशा पिक्चर्स में लाजमी भी नहीं होता, कि अगर आप मॉडल हो, आप हर पिक्चर में स्किन शो ना ही करें तो बेटर। ओवर एक्सपोज करना किसी चीज को, आप किसी को मौका दे रहे हो, कोई आप पे बात करेगा क्यों, फिर आप कहते हो कि तनकीद होती है, आप खुद ही मौका दे रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन वो यही है ना कि दिखाओगे तो बिकेगा, दिखावे की होगी उन्हें हर चीज। इवन मैं फूड के पिक्चर्स, लोग ठंडा हो जाता है लेकिन पहले स्नैप पे खाना नहीं है, बट खाना लाजमी है। एक दफा तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा, मैंने तो बाइट यहाँ तक ला कर मुझे रोकना पड़ा और मुझको उस बाइट को वापस नीचे सेट करना पड़ा क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उस पर अपनी इंस्टा पे खाने की बात हो रही, मुझे भूख लगे चले घर। मुझे लगता है राफिया जी बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा खाना पे आज रात डन आज। हाँ, मैरिनेटेड गोश्त ले आना अपना अपना वो ही वाले आई चलो सबका लाना और हम बनाएंगे टिक्के। ओके, ठीक है, की बर्थडे है तो केक भी कट कर। हाँ, चलो तुम्हारे लिए पेस्ट्री मंगा लूंगा। कितना अच्छा लगता है ना, सब तैयार होते हैं और फेस्टिव ऐसे सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईद के मौके पे देखिए हिबा ने हमें टाइम दिया, बर्थडे भी है, डबल डबल खुशी। मतलब कौन आता है ना, नहीं बस ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो क्यों नहीं आते, मेरी मोहब्बत जी बिल्कुल।
ऑलराइट जी, यहाँ पे लग गई है अब हमको भूख और हमारे घर में रात को होने वाली है बारबेक्यू पार्टी और ये सब आएंगे और हिबा भी आएगी और हिबा मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मेरे दिल चाह रहा है मैं हिबा के साथ एक और शो भी करूँ. Yes, है ना? She's so intelligent, you know. She's mashallah so good. Energetic. Energetic as well. Exactly. On that note, आप हम सब को इजाजत दीजिए. But once again, we'll say Eid Mubarak and Allah Hafiz.